नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अखंड भारत के अंतिम भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगान से लाने के लिए शेर सिंह राणा जी ने तिहाड़ की दीवार को भी फांद दिया था और आज इनका भागलपुर की धरती पर आना हुआ है और हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत प्रणाम है आपको। शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सर, आपकी अगर आपका अगर मैं परिचय दूं तो जो मेरे शब्द हैं सर वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके जो कारनामे हैं सर वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं। और मैं बचपन में पढ़ा था आपकी जो कहानियां थी, आपके बारे में जो बातें थी वो मैं बचपन में पढ़ा था और आज आपसे मेरी बात हो रही है तो उसमें एक बातें आई थी कि फूलन देवी की हत्या और जिसको लेकर आपको जो है जेल जाना पड़ा था, तो ये वाक्य आज आपके मुँह से सर सुनना चाहेंगे। जी देखिए, मेरा नाम उनकी हत्या में लाया गया, घसीटा गया, जिसके कारण करीब 13 साल मैंने तिहाड़ जेल दिल्ली में बिताए। तो ये दुर्भाग्य था कि जीवन का वो बड़ा प्रेशियस समय जो है जेल के अंदर गया। उसमें जो केस का जो मतलब निचोड़ है, या क्योंकि अभी केस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में पेंडिंग है, तो उस पर मैं विस्तार से तो चर्चा अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो कोर्ट हैं वो जो जज हैं वो भगवान का रूप होते हैं जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। तो मैं आज उनके किसी फैसले पर टिप्पणी करने के लिए तो सही नहीं समझता हूँ। जो भी उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो फूलन देवी से रिगार्डिंग तो बस इतनी ही बात की जा सर। पृथ्वीराज चौहान, जिनको बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आप सभी पढ़कर बड़े हुए हैं, लेकिन आपने सर उनके लिए जो करा, यानी कि उनकी समाधि पर अफगानी जो हैं जूते मारते थे, उनका अपमान करते थे, और जब ये बातें आपको पता चली, हालांकि सभी लोगों को पता चली, लेकिन आपने जो सर कदम उठाया, और ये बहुत ही अपने आप में अनोखी बातें और असंभव बातें हैं कि तिहाड़ जेल की दीवार को फांदना और फिर जो है पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है उनको अपने देश ले आना, तो अपने आप में सर बहुत बड़ी बातें हैं। जी देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में था सन 2001 में, मैं उस केस में तिहाड़ जेल गया, तो एक दिन अचानक ही मैंने अखबार में पढ़ा कि बहुत सारे सामाजिक संगठन अलग अलग जगहों पर लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को वापस लाया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने में असमर्थ साबित हो रही है बार बार। और मेरे साथ एक दो आतंकवादी थे जिनका नाम गयूर खान और ताजा खान था, जो तिहाड़ में थे उस समय। तो जब मैंने उनको कहा कि भाई ये तो बड़ा ख़राब काम है आपके देश में जो ये होता है, किसी जो महान आदमी हो और उसकी मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु के बाद उनका अपमान करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कहने लगे कि मैंने कहा कि और आप देखिएगा भारत सरकार इसको वापस लेकर आएगी। तो वो कहने लगे कि भारत में इतना किसी में दम नहीं है, जब 800 सालों से कोई नहीं ला पाया तो अभी भी कोई नहीं ला पाएगा। मैंने उनकी इस बात को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, अफगानिस्तान जाने की तो बहुत दूर की बात है, पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल जाइए। और फिर ऐसा मैंने प्रयास करना शुरू करा और एक दृढ़ संकल्प के साथ जो है ऊपर वाले की भी कृपा रही और मैं तिहाड़ जेल से फरार हुआ 2004 में और बांग्लादेश दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा। वहां पे मैं काबुल, कंधार, गजनी, हेरात अनेक शहरों में गया, समाधि की खोजबीन करी और अंत में 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे मालूम पड़ा कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे उनकी समाधि है। मैं वहाँ गया, देखा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। इसके लिए फिर प्रयास शुरू करे कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जाए। उस प्रयास को करते हुए एक बार मुझे पकड़ भी लिया गया, किंतु बहुत सारे लाखों लोगों के आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की
और अंत में सफलतापूर्वक उनकी मिट्टी को खोदकर वापस भारत लाया और गंगा जी में उसको प्रभावित किया। सर, आप जो है बिहार जो है खासकर भागलपुर जो है अपनी राजनीतिक पार्टी जो आपने बनाई है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, इसको लेकर आप आए हैं, इस पर भी हम सर बात करेंगे। लेकिन हम आप पहले जो बातें होती है उससे उस सिलसिले से जुड़े एक सवाल कि लगभग 15 सालों तक अपने परिवार से आप दूर रहे और खासकर देखा जाए तो अपने देश के लिए आपने जो काम करा, पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाना, फिर उसे गंगा में प्रभावित करना और इस दौरान जितनी भी वाकयाएँ हुई, एक संघर्ष भरा दौर रहा होगा सर, ये सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं हम जैसे पत्रकार। लेकिन वो संघर्ष के दौर में परिवार से भी दूर रहना क्या आज के समय में भी सर संभव है युवाओं के लिए? देखिए, जो भी युवा अपने देश अपने समाज से प्रेम करता है तो वो किसी भी हद तक जाकर कार्य करने का प्रयास करता है। मैं शेर सिंह राणा अपने देश से बेहद प्यार करता हूँ, अपने समाज से बेहद प्यार करता हूँ और आगे भी अगर जीवन में अपने देश और अपने समाज के लिए मुझे अपने जीवन की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसके लिए भी मैं सदा तैयार हूँ। आज देश के अंदर जैसा कि आपने बताया, हमने एक राजनीतिक दल बनाया, आज देश में ज़रूरत है एक ऐसे राजनीतिक दल की जो सभी का अधिकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर उनकी संख्या अनुसार सभी को दे। आज क्षत्रिय समाज के साथ सभी पार्टियां अन्याय करती हैं, वोट बैंक के रूप में यूज़ करती हैं, भेड़ बकरी की तरह वोट लेती हैं, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो उसमें जातिवाद पैदा करके कुछ भी नहीं देती हैं। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया, जिसका चुनाव निशान चारपाई है, खटिया छाप, और ये जो खटिया है ये सभी जाति सभी धर्मों को अपने साथ में लेकर चल रही है। और इस बार खटिया हम विधानसभा में बिछाने वाले हैं और सभी पार्टियों की खटिया जो है वो खड़ी कर देंगे। सर, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या सभी सीटों पर जो है आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, क्या सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी? देखिए, अभी हम 243 पर सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा चल रही है कहीं पर हल्की चल रही है, लेकिन तैयारी सभी पर चल रही है और लोगों का बहुत ज़्यादा हमारे प्रति पार्टी के प्रति जो है बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि सबका काम बिहार की जनता ने देख लिया है, 15 साल लालू जी के बदमाशी के राज भी देखे और 15 साल ये नीतीश कुमार के निकम्मी सरकार भी देखी, जहाँ कोई रोज़गार नहीं है, जहाँ कोई किसी की सुरक्षा नहीं है, जहाँ चाहे युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी योजना नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। तो अभी पूरे देश ने देखा कि कैसे लॉकडाउन के अंदर जो है पूरा बिहार के जो श्रमिक भाई थे वो देश के अलग अलग कोने में जो है परेशानी की हालत में थे। लाखों करोड़ों की संख्या में बिहार के युवा जो हैं अपने माता पिता को छोड़कर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर रोज़गार की तलाश में जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोज़गार उपलब्ध नहीं है। तो नीतीश जी का एक ऐसा सुशासन है, NDA का कैसा सुशासन है कि यहाँ पर आप जो है लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ कोई गुजरात का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, महाराष्ट्र का कोई यहाँ पर नौकरी करने के लिए आता हो, क्योंकि ये फेलियर है सरकार का कि आप अपने यहाँ रोज़गार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो RJP सत्या अपने सभी युवाओं से वादा करती है कि जब हम सत्ता में आएंगे इस बार या सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे तो हमारी प्रायोरिटी पे हमारा काम होगा कि सभी नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराना, और अगर नहीं करा पाएंगे तो 35 साल की उम्र तक उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर 38 जिलों के 38 जिलों में जो है हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने जा रहे हैं, वो ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे जहां पर बच्चा खेल कूद की प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग लेगा, किसी फोर्स की नौकरी के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि बच्चे जो हैं बिहार के ओलंपिक में और दूसरी प्रतियोगिताओं में इनाम जीत कर
अपना परिवार का देश का नाम रोशन करें और ONGC आर्मी रेलवे इसके अंदर भी स्पोर्ट्स कोटे में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नौकरियां लग सकें। जी सर, उत्तराखंड से हैं आप और बिहार में कई दिनों से आप बिहार के दौरे पे हैं, भागलपुर मुंगेर बांका होते हुए सर आप आज भागलपुर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड और बिहार अगर दोनों की तुलना करें आपकी नज़रों में सर, तो बिहार को कितने बदलने की ज़रूरत है और क्या चीज़ को बदलने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर बहुत बदलाव की ज़रूरत है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी उपजाऊ जमीन होने के पास बाद भी बिहार की यहाँ पर लोगों की दुर्दशा जो है, हालत जो है वो ख़राब है, बहुत दुर्दशा के साथ रहना पड़ रहा है। मैं कैमूर, रोहतास और उस इलाके में मैं गया तो वहाँ की धान की मैंने भारी खेती देखी, लेकिन वहाँ पर जो है हमने देखा कि राइस मिल जो है उंगलियों पर गिनती कर लेंगे, मात्र 2-3 है। जबकि हमने हरियाणा देखा, दूसरे राज्य देखे, जहाँ पर मात्र एक ज़िले में जो है धान की खेती होती है वहाँ पर 500-500 राइस मिले हैं। यहाँ तक कि कैमूर में जब मैंने पता किया तो कैमूर के किसान भाइयों ने बताया कि उनकी जो धान की खेत है, चावल जो है उनका, वो हरियाणा जाता है यहाँ से राइस मिलों में। तो राइस मिल जो है वो यहाँ पर कैमूर ज़िले में, रोहतास ज़िले में क्यों नहीं लग सकती? कलकत्ता पोर्ट इतना नज़दीक है यहाँ से, अगर यहाँ पर राइस मिल लगेगी तो कलकत्ता पोर्ट पर जाएगी और वहाँ से सारा सप्लाई विदेश को हो जाएगा और देश में भी कैमूर का चावल और रोहतास का चावल जो है लोगों के बीच में जाएगा यहीं से बनकर। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उपक्रम लगाने में कोई नीतीश जी का रोल नहीं है। अभी सरकार में 15 साल से थे, NDA का हिस्सा है, कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं वो यहाँ पर लगवा पाए। चलिए प्राइवेट बिजनेसमैन हो सकता है तैयार ना हो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सरकार तो अपने फैक्ट्रियाँ और अपने उपक्रम यहाँ पर लगा सकती है जिससे कि लोगों को यहाँ रोज़गार उपलब्ध हो जाता और यहाँ पर तरक्की करता हमारा बिहार। लेकिन उस तरफ भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लूट खसोट और बेईमानी चल रही है। और आज हम बता दें कि 10 जिलों से भी ज़्यादा हमारे पदाधिकारी नीतीश सरकार की शव यात्रा निकाल रही है। अभी जब मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ तो अभी कई जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारी खटिया का निशान है तो सभी को मालूम है कि अंतिम संस्कार के लिए किसी को भी जो है चारपाई के ऊपर ही लेटा के ले जाया जाता है। तो आज जो है अपनी चारपाई पर हम NDA को लेटा कर शमशान घाट तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं हमारे पदाधिकारी, और पूरे बिहार से शमशान घाट भेज कर ही मानेंगे हर भ्रष्टाचारी पार्टी को और हर भ्रष्ट सरकार को। सर ये तो राजनीति बातें होगी, और अंतिम सवाल जो कि राजनीतिक परिदृश्य से हटकर, शेर सिंह राणा को आज भारत के लाखों युवा अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन शेर सिंह राणा किनको मानते थे जो वो तिहाड़ की दीवार को भी फान गए? देखिए, मेरी आदर्श जो हैं, अगर आज की आप बात करें तो मेरी माता जी हैं, और अगर ऐतिहासिक रूप से करें तो महाराणा प्रताप जी हैं। क्योंकि मेरे को इनसे एक चीज़ सीखने को मिली कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए और दृढ़ संकल्प का मन बनाकर अपना कर्म करना चाहिए, उसका फल जो है वो ऊपर वाला देता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, समाज के प्रति वफादारी से आप काम कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे शेर सिंह राणा, और शेर सिंह राणा का अगर हम अतीत का परिचय दूं, इनके बीते हुई बातों का परिचय दूं, तो ये वही शेर सिंह राणा हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को अफगान से लाने के लिए तिहाड़ की दीवार को फंद गया था। लेकिन वर्तमान में अगर हम इनका परिचय दें तो ये है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, और आज हमारे साथ थे, भागलपुर की धरती पर इनका आना हुआ था। और शेर सिंह राणा से और खासकर जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल करें, और अगली बार जब भी मेरी मुलाकात शेर सिंह राणा से होती है तो मैं आपके सवाल को इनके पास जरूर रखूंगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।